स्वागत करता हूँ और एक असाइनमेंट लेके आया हूँ। इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे SN1 SN2 से रिलेटेड। पूरा असाइनमेंट अच्छा एग्जांपल्स के साथ है, तो चलिए सॉल्व करते हैं एक के बाद एक। और एक बात और कि डिस्क्रिप्शंस में आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन और इसकी PDF फाइल पूरे असाइनमेंट की आपको मिल जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो यहाँ पर है फर्स्ट, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग कपल्स विल रिएक्ट फास्टर SN1 रिएक्शन एंड वाई। यानी SN1 रिएक्शन कौन ज़्यादा फास्ट करेगा और क्यों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। SN1 कार्बोकेटायन से बनती है, तो जिसमें कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा फास्ट देगी। तो यहाँ अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है 1-ब्रोमो-पेंटेन, तो पहले 1-ब्रोमो-पेंटेन का डायग्राम बनाए। ये पेंटेन हो गई 1-ब्रोमो, ये 1-ब्रोमो-पेंटेन। और सेकेंड दिया जा रहा है हमारे पास 2-ब्रोमो-पेंटेन, 1, 2, 3, 4, 5, 2-ब्रोमो-पेंटेन। तो बताइए SN1 के अंदर कार्बोकेटायन बनेगा तो कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड में, तो आंसर आएगा 2-ब्रोमो-पेंटेन। तो ये जाएगा आपका 2-ब्रोमो-पेंटेन। नेक्स्ट वहाँ दिया जा रहा है बी ऑप्शन में 1-ब्रोमो-2-मिथाइल-ब्यूटेन, 1-ब्रोमो-2-मिथाइल-ब्यूटेन। तो ये आपने ब्यूटेन बना दिया 1, 2, 3, 4 कार्बन का, और आपके पास 2 मिथाइल है, ये 2 मिथाइल आपके पास है और 1 ब्रोमो है, ठीक है। और यहाँ है 2-ब्रोमो-2-मिथाइल और आगे दिया हुआ है ब्यूटेन, तो ठीक है। तो 2-मिथाइल-2-ब्रोमो, तो यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा, और 3 डिग्री बनेगा यानी कि काफी स्टेबल है। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल यही जाएगा 2-मिथाइल-2-ब्रोमो-2-मिथाइल-ब्यूटेन। क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डू यू एक्सपेक्ट ड्यू टू फॉलोइंग चेंजेस इन SN1 रिएक्शंस। अगर आप SN1 की बात करें, कार्बोकेटायन बनेगा 3 डिग्री है और आपको CH3OH दिया जा रहा है, ठीक है। तो सॉल्वोलिसिस होगा, मैं उस हर रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस कहता हूँ जहाँ सॉल्वेंट ही रिएजेंट होता है। तो आप देखिएगा CH3OH यहाँ पर क्या करेगा, ये कार्बन 3 डिग्री है आपको दिख ही रहा है CH3 CH3, और 3 डिग्री में जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन किससे अटैच अलग हो जाएगा, ये ब्रोमीन है और ये पहले कार्बोकेटायन बनाएगा जो कि आप देख रहे हैं CCH3 CH3, और यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा और फिर उसके बाद ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल अटैक करेगा यानी O, और यहाँ पर CH3 है। ये अप डायरेक्शन से भी आ सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी आ सकता है, लेकिन फाइनल कार्बन आपके पास हो जाएगा CH3 CH3 CH3, फाइनल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको OCH3, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास ईथर जनरेट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। फाइनल कंपाउंड एल्कोहल से क्या बन रहा है, ईथर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि इस पोजीशन में, ये तो हमारे पास चेंजेज है, लेकिन इसके अंदर हमसे ये नहीं पूछा जा रहा, हमसे ये पूछा जा रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ CH3CBr डबल कर दिया जाए। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि SN1 रिएक्शन है, अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और CH3OH की कंसंट्रेशन आप डबल करें या हाफ करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नेट रेट क्या हो जाएगी, डबल होगी, क्योंकि ये डबल है। तो यहाँ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सब्स्टिट्यूएंट्स के, जो भी सब्सट्रेट बोल सकते हैं आप उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आंसर क्या जाएगा इसका, इसको डबल कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, डबल ही रहेगा। दूसरी तरफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ CH यानी कि आपका सब्सटेंस और अल्कोहल दोनों को ट्रिपल कर देंगे, तो इससे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, अल्कोहल से आप डबल करें ट्रिपल करें हाफ करें कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, जो फर्क पड़ रहा है उस अल्काइल हैलाइड का हो रहा है। तो यहाँ इसको आपने क्या करा है, ट्रिपल करा है, तो आंसर भी क्या जाएगा, ट्रिपल जाएगा, ये ट्रिपल जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है वाई 3-क्लोरोप्रोपीन, ठीक है, 3-क्लोरोप्रोपीन आप एक बार बनाइए तो सही, ये आपके पास हो गया 3-क्लोरोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन है ये आपके पास 3-क्लोरोसाइक्लोप्रोपीन, इस सॉल्वोलाइज्ड मैंने कोई भी सॉल्वोलाइज करा, H2O ले लिया या एल्कोहल ले लिया, पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, और ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये क्या बनेगा, एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक लास्ट में आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्वोलिसिस होके OH, क्या ये हो सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट एरोमेटिक है, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शंस।
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें हमें दिया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में 5-क्लोरो-साइक्लोपेंटाडाईइन, यानी ये है। और यहाँ पर भी सॉल्वोलिसिस किया जा रहा है, कार्बोकेटायन आपके पास बनेगा लेकिन इंटरमीडिएट आपका ये वाला बन रहा है जो कि अपने आप में एंटी एरोमेटिक है। तो क्या एंटी एरोमेटिक रिएक्शन हो पाएगी? क्या नहीं, हाईली अनस्टेबल, तो ये रिएक्शन नहीं होगी और इसीलिए हमारे पास ऐसा हो रहा है। यानी फर्स्ट रिएक्शन में इंटरमीडिएट एरोमेटिक है और सेकेंड रिएक्शन में इंटरमीडिएट हमारे लिए एंटी एरोमेटिक है, तो ये रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल सही है, आपने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस गिवन द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, हर एक रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा। आप तो दिमाग में बिठा के ही चलिए, सॉल्वोलिसिस जब भी बन रहा है SN1 रिएक्शन होगी और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, क्या बोला मैंने, सॉल्वोलिसिस SN1 कार्बोकेटायन। तो चलिए आप भी मेरे साथ हैं, तो अब इस रिएक्शन को देख रहे हैं आप, सी 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 कार्बन सी और ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर नीचे क्या है, आयोडीन है CH3। तो जब इस रिएक्शन में आप सॉल्वोलिसिस करोगे तो सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा, और जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो 1-2 शिफ्टिंग होने के चांसेस होते हैं ना। तो ये आपके पास 1-2 शिफ्टिंग होगा, ये इस तरफ जाएगा, कार्बोकेटायन इस तरफ आएगा, सी 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 एच थ्री, और यहाँ पर क्योंकि ये सी एच थ्री इस तरफ आ रहा है तो एक ही सी एच थ्री इस तरफ बचेगा और कार्बोकेटायन यहाँ आ जाएगा। तो जब यहाँ कार्बोकेटायन आएगा तो उसके बाद सॉल्वोलिसिस हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल यहाँ पर आएगा और ये प्लस की जगह कौन अटैच हो जाएगा, ओ एच सी एस थ्री, यानी कि यहाँ पर ये अटैच होगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये ओ सी एस थ्री वाला पार्ट यहाँ अटैच होगा, ये मेजर होगा। तो माइनर क्या होगा, अगर आपने यहाँ से बनाया ओ सी एस थ्री यहाँ लगाया तो माइनर होगा, यहाँ लगाते हो 1-2 शिफ्टिंग तो मेजर होता है। तो बस आप मान के चलिए एक मेजर और एक माइनर। और दूसरी रिएक्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास इथेनॉल जो भी दिया है, तो इसको कैसे देखेंगे हम, यहाँ पर भी हमारे पास कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और जब कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो 1-2 शिफ्टिंग होगी, और 1-2 शिफ्टिंग होकर देखिए कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। वन टू शिफ्टिंग होगी और कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर Cl है, यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाया और CH3। अगर यहाँ से ही आपने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जो कि आपको दिया हुआ है एथेनॉल दिया हुआ है, यानी कि ओ सी एच थ्री या ओ सी टू एच फाइव यहाँ से अटैच करा आपने, तो माइनर प्रोडक्ट हो रहेगा क्योंकि आपने अभी शिफ्टिंग नहीं कराई है, तो आप माइनर के लिए भी तैयार रहिए। तो मेजर क्या होगा, 1-2 शिफ्टिंग कराओ, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 डिग्री में, तो ये आपके पास 3 डिग्री में आ जाएगा CH3, और यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन वहाँ जाएगा और वहाँ का प्लस इस तरफ आ जाएगा। इसके बाद अगली स्टेप में तो यही हमारे पास CH3 है और यही हमारे पास ओ सी एस सी टू एच फाइव अटैच हो रहा है, तो जो भी हमारे पास एथेनॉल वाला पार्ट है वो वहां पर अटैच हो जाएगा, और फाइनली मैं यही कहूंगा सॉल्वोलिसिस इस पॉइंट पे होगा ना कि इस पॉइंट पे होगा ना कि इस पॉइंट पर, क्योंकि 1-2 शिफ्टिंग के बाद जो बन रहा है वो स्टेबल कार्बोकेटायन है और बनने वाला कंपाउंड उससे क्या होगा, मेजर होगा। देखिए फिर बात करते हैं यहाँ पर सी के अंदर, सी के अंदर भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कैसे, अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ आयोडीन है या नहीं है, और आपके पास क्या है, सी एस सी सी डबल ओ ओ एच, तो जब सी एस सी सी डबल ओ एच है तो कार्बोकेटायन आपके पास बन जाएगा, सॉल्वोलिसिस होगा, यहाँ कार्बोकेटायन बन गया है, बना ना, अगर यहाँ से सॉल्वोलिसिस करके आप बना रहे हो प्रोडक्ट इस तरह का, कुछ किस तरह का, ओ ये पूरा का पूरा आपके पास इस तरह का बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, तो ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा क्योंकि कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग हो सकती है यहाँ पर, तो मेजर कहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ से ये मेजर हो जाएगा, यानी 1-2 शिफ्टिंग होगी, यहाँ का हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, और उसके बाद जब आपका कार्बोकेटायन यहाँ आ चुका है तो आपके पास ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री इस तरह से बनेगा, क्लियर है, और ये हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा लीविंग ग्रुप। तो यही हमारे पास यहाँ पर सिंपल सा है। तो अगला पॉइंट नेक्स्ट, क्या ये चीज़ें क्लियर है, तो ये आप बनाएंगे मेजर, ये बनाएंगे आप माइनर। नेक्स्ट,
एक्वास AgNO3 हमेशा OH देता है, यानी एक तरह से देखा जाए तो एक्वास AgNO3 हाइड्रोलिसिस करने में आपकी मदद करेगा, अल्कोहल बना देगा। तो कार्बोकेटायन बनेगा, बिल्कुल कार्बोकेटायन बनेगा, SN1 रिएक्शन है, तो CH2+ हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 1-2 शिफ्टिंग पॉसिबल है। यस, आपका CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा। तो अगर आपने OH यहाँ लगाया तो माइनर प्रोडक्ट होगा, यानी CH2OH माइनर होगा, और यहाँ लगा दिया आपने तो आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा CH3OH। आपने इस पॉइंट में दो बातें देखी है कि एक्वास AgNO3 अल्कोहल बनाने में मदद करेगा, AgI का अलग से PPT बन जाएगा और हमारे पास फाइनल कंपाउंड अल्कोहल मिलेगा। तो एक्वास AgNO3 हमारे लिए अल्कोहल बनाने में मदद करेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए मेजर और माइनर को लेते हुए, सब्जेक्टिव पॉइंट्स। नेक्स्ट राइट द नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड मेंशन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखिए यहाँ पर HBr है, आप मेरे साथ हैं, HBr है और ठीक है, तो यहाँ आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 1-2 शिफ्टिंग देखने को मिली है। ये प्रोडक्ट तभी बनेगा जब 1-2 शिफ्टिंग है, यानी इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटाइन, यानी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, यानी SN1 रिएक्शन है। तो देखिए कैसे रिएक्शन हो रही है, CH3, CH3, और यहाँ आपके पास CH3 और ये OH है, OH है, H ने अटैक करा, H2 यहाँ से निकल गया, तो CH3, CCH3 और ये CH+CH3। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ 1-2 शिफ्टिंग होगी, या हाइड्रोजन इस तरफ जाएगा, तो कुल मिला के CH3, CCH3, CH2, CH3 देखने को मिलेगा, और ये अब प्लस इस तरफ आ चुका है। 1-2 शिफ्टिंग से आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने 1-2 शिफ्टिंग का बहुत अच्छा वीडियो ऑलरेडी लोडेड किया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर Br- अटैक करेगा, बचा काम अब उसी का, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको वही देखने को मिलेगा जो आप वहाँ देख रहे हैं। तो ये Br आ चुका है CH2CH3। तो क्या बातें देखी आपने, 1-2 शिफ्टिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी, SN1 में, और कार्बोकेटायन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो बहुत अच्छे से आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि रिएक्शन स्टेप फर्स्ट जब आपके पास H+ आया और इस पूरे H2 को लेके चला गया, फिर दूसरी बार में कार्बोकेटायन शिफ्ट हुआ, तीसरे बार में Br अटैच हो गया। तो ये मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शंस है जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रही है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, उसकी भी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, ये क्वेश्चन दिया गया है और ये आपके पास OH है, ध्यान से दिखेगा, और जैसे H+ आएगा वो किसको खींचेगा, इसको दिखेगा, तो यहाँ आपके पास इस तरह से अटैच होगा और प्लस यहाँ आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास इस तरह से प्लस आ रहा है, और अब आपके पास यहाँ ध्यान से देखिएगा 1-2 शिफ्टिंग होगी, किस वाले ग्रुप की होगी, इथाइल वाले ग्रुप की 1-2 शिफ्टिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो कार्बन है इस जगह, अगर बात करें ये जो कार्बन है हमारा, ये वाला कार्बन, इस पे 2 मिथाइल ले जाएंगे और एक जो हमारे पास प्लस इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप यहाँ अटैच होगा। क्लियर है, तो जब यहाँ पर इथाइल ग्रुप अटैच होगा इस तरह से मूव करेगा, तो कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा और इस वजह से अब आपके पास यहाँ पर आयोडीन अटैच हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, बिल्कुल आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन थे, तो कहीं और भी हमारे को देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ी हो रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने यहाँ पर प्लस बनाया, तो ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक बार और देखते हैं, हम इस कार्बन पे एक ये हमारे पास पास में प्लस चार्ज है, तो ये प्लस इस तरफ आएगा और ये वहां जाएगा, तो हमारे पास बिल्कुल सही है, हमारे पास एक कार्बन है और इसके साथ 2 कार्बन और जुड़ जाएंगे, तो ये 1, 2, 3 इस तरफ जुड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ हमारे पास प्लस यहाँ आएगा और फिर आयोडीन इसी जगह जुड़ेगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आयोडीन यहाँ जुड़ेगा। अब इसको सही करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझनी है।
प्रैक्टिस करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 SNI से रिलेटेड है। अरे SN1 तो हम पहले कर ही रहे हैं, तो SN1 SN2 SNI सब इसमें मिक्स रहेंगे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी जो भी कंपाउंड है, ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2, यानी SN2 के अकॉर्डिंग आप इसके लिए बढ़ते हुए सिक्वेंस में देखेंगे। साउंड क्लियर है? तो फिर ध्यान से सुनिएगा। अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो SN2 में हमेशा क्या कार्बोकेटायन बनता है? नहीं, आपको सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाली रिएक्शन फास्ट होगी और हाई स्टेरिक हिंड्रेंस वाली कम होगी, स्लो होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ मिलेगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनके स्ट्रक्चर बनाओ। ए का स्ट्रक्चर 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन, ये तो ब्यूटेन हो गया, 2-ब्रोमो, ये 2-ब्रोमो हो गया, और 2 आपके पास मिथाइल है, ये मिथाइल हो गया। फिर अगला है पेंटेन, तो पेंटेन ये 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 1-ब्रोमो-पेंटेन, ये 1-ब्रोमो-पेंटेन। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास ए, मान लो ए के अंदर ये मान लीजिए फर्स्ट, ये मान लीजिए सेकंड, और एक और मान लीजिए थर्ड, कौन सा होगा? 2-ब्रोमो-पेंटेन, ये 2-ब्रोमो-पेंटेन हो गया, ये 2-ब्रोमो-पेंटेन। तो क्लियर है? 2-ब्रोमो-पेंटेन आपके पास हो गया। तो आप ही बताइए सबसे ज़्यादा रिएक्शंस में अगर हम बात करें तो सबसे 1, 2, 3, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये जो 2-ब्रोमो-पेंटेन है ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन ये 3 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा ये 2 डिग्री होगा क्योंकि इसके पास बल्किनेस कम है, इसके तरफ दोनों एथाइल है, तो फिर 2 के बाद 3 और फिर 1। तो यहाँ अगर आप बताएं तो सबसे फास्ट नंबर 1 पे ये होगी, फिर नंबर 2 पे ये होगी, और फिर नंबर 3 पे ये होगी, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट 1-ब्रोमो-3-मिथाइल ब्यूटेन बात करते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? 1-ब्रोमो-3-मिथाइल ब्यूटेन, 3-मिथाइल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन हो गया, और 3-मिथाइल बात कर रहे हैं, 1-ब्रोमो, ये 1-ब्रोमो, 3-मिथाइल, 1, 2, 3, 3-मिथाइल, बहुत दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेरिक हिंड्रेंस का। 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्रो, ये 2-मिथाइल हो गया आपके पास, 2-ब्रोमो-3-मिथाइल ब्रो, यानी कि ब्यूटेन है आपके पास, और 2-ब्रोमो है और 3-मिथाइल है। तो बताइए ये 3 डिग्री है, ये कौन सी है? 1 डिग्री है, और ये कौन सा है? 2 डिग्री अल्काइल। तो सबसे तेज कौन सा होगा? ये नंबर 1 पे ये, फिर ये और ये, यानी नंबर 1 पे ये, फिर नंबर 2 पे यहाँ पर आएगा, और नंबर 3 पे यहाँ पर आएगा। आपको सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस को देखना है, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट, विच रिएक्ट फास्टर, क्वेश्चन नंबर B2, कौन फास्ट रिएक्शन करता है? तो देखिएगा कौन फास्ट रिएक्शन करता है। अगर हम बात करते हैं विच रिएक्ट फास्टर, तो मेरे पास है PH CH2 Br और PH CME2 Br। आप कर क्या रहे हो यहाँ पर? सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? SN1। तो कार्बोकेटायन किसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? आप ध्यान से देखिएगा, इसमें रेजोनेंस भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा बनेंगे कार्बोकेटायन में, तो मेरे हिसाब से ये फास्ट होगा सॉल्वोलिसिस। दूसरी तरफ यानी ये SN1 रिएक्शन देगा, और ऐसा आप बोल सकते हो कार्बोकेटायन, जबकि नीचे वाली रिएक्शन NaI एसीटोन, यानी साफ बोल रहा है कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन है। एसीटोन देखते ही और आई माइनस देखते ही मुझे SN2 की फील आती है, तो यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो कम वाला स्टेरिक हिंड्रेंस फास्ट होगा। तो ये SN2 के लिए फास्ट है, वो SN1 के लिए फास्ट है। इज दैट क्लियर? तो अगर ये कह दिया जाए, रिएक्शन ही नहीं बोला जाए, SN1 SN2 बस फास्ट रह दिया जाए कि कौन ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ट होगा, तो फिर आप SN1 को हमेशा फास्ट मानेंगे एज कम्पेयर टू SN2 के कंपेयर में। ये हमारे पास नॉट थोड़ा सा पॉइंट आ गया कि हम कैसे देखेंगे। नेक्स्ट वर्कआउट द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपके पास यहाँ रिएक्शन देखनी है, और NaOH है, और NaOH यानी OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखते ही आपके पास क्या दिमाग में आएगा, बोलो जल्दी से, SN1 या SN2? SN2। और OH हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ OH कहाँ जाएगा, अपोजिट Cl के। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर Cl यहाँ था, तो यहाँ C2H4 5 था, तो ये C2H5 इस तरफ चला जाएगा, पूरी तरह से इन्वर्जन देखने को मिलेगा, आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, इन्वर्जन देखने को मिलेगा। यहाँ क्या है, NaI है, पहले आयोडीन आएगा फिर OH आएगा, तो दो बार होगा, सॉल्वेंट एसीटोन ही ले लो, तो यहाँ दो बार इन्वर्जन होगा, यानी Cl की जगह I इधर जाएगा और वापस OH इधर आएगा, तो कुल मिला के इसमें कंपाउंड क्या होगा, नीचे वाली रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं C2H5 उसी तरफ हो जाएगा जिस तरफ था, और Cl की तरफ आपको क्या दिखाई देगा लास्ट में, OH। तो दो बार इन्वर्जन होने पर आपको सेम डायरेक्शन मिलती है, क्या लिखा आपने, दो बार इन्वर्जन होने पर आपको सेम डायरेक्शन मिलती है, समझ में आ रही है बात। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में बिठाने। नेक्स्ट B4, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो देखिए फॉलोइंग रिएक्शन आपको बतानी है, और बहुत इजी वे में आपसे पूछा जा रहा है, PCl5 आपके पास है, ठीक है, जब भी PCl5 आपको दिख रहा है आप SN2 की फील लाएंगे, Cl- अटैक करेगा, तो सबसे पहले ये CH, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक इंडेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर आपके पास SN1 होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, CH और यहाँ पर CH3, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, एक तरह से प्लस चार्ज यहाँ जनरेट हो जाएगा पूरा का पूरा, ये प्लस जैसे ही यहाँ जनरेट हुआ 1-2 शिफ्टिंग होगी CH3 और CH, यहाँ CH2 था बच्चों, तो ये CH2, ये CH3 और 1-2 शिफ्टिंग होगी, CH3 उस तरफ जाएगा, सॉरी H उधर जाएगा, CH3 इधर रह जाएगा, प्लस यहाँ रहेगा, तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर CH3 CH3 और प्लस यहाँ पर है ये H, इस तरफ से वहाँ जा चुका है, तो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, तो कुल मिला के आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा जो मैंने आपके सामने बनाया है। ओके क्लियर रखें। दूसरी तरफ यहाँ पर NaOH और DMSO है, NaOH और DMSO मिलकर क्या, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। अब डाइमिथाइल सल्फोक्साइड यानी एसीटोन की तरह ये भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को किसको प्रमोट करेगा, SN2 को। तो जब SN2 को प्रमोट करेगा तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, जहाँ आयोडीन है यानी आपके पास आयोडीन नीचे, तो उसके अपोजिट में चला जाएगा कौन, OH, और H नीचे आएगा, क्योंकि 100% यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, इन्वर्जन अप्रॉक्सीमेट। तो DMSO जब भी आएगा आपको SN2 देखना है, SN2 देखना है, इन्वर्जन आपका आंसर रहेगा। तो ये आपके पास एक पॉइंट हो गया, क्लियर करें इसको। अब बात करते हैं B5 की, इजी है, कैसे हम इसको देखेंगे, देखो राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विथ प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी आपको प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री को यूज करते हुए बताना है इसके आंसर। CH3OH, आप मान के चलिए जब भी आपको CH3OH, कोई एसीटोन वगैरह कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियोफाइल भी वीक है, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन दिखाई देगी आपको, SN1 कार्बोकेटायन आपको दिखाई देगा, CCH3H और यहाँ पर आई की जगह आप कार्बोकेटायन बनाएंगे PH, और अब आपके पास जब कार्बोकेटायन है तो ये कार्बोकेटायन ट्राइगोनल प्लेनर है, और इस तरफ CH3OH वो ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी आ सकता है, तो आपको एक तरह से रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि ये कायरलिटी रखेगा, तो कायरलिटी रखेगा तो आपके पास क्या बनेगा, CH3H PH और एक तरफ OH यहाँ आ सकता है, और इसका मिरर भी आपको दिखाई देगा, तो मिरर बिल्कुल मिरर ही होता है, CH3 यहाँ H PH और OH, तो रेसेमिक मिक्सचर आपको दिखाई देगा, रेसेमिक मिक्सचर आप लिख लीजिए। तो नेक्स्ट SOCl2 ईथर के साथ, ध्यान से सुनना, SOCl2 ईथर के साथ कौन सी रिएक्शन देगा, SNI, कौन सी रिएक्शन देगा, SNI, और SNI में एक खास बात है कि 100% आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिटेंशन, यानी जिस तरफ OH है उसी तरफ आपको Cl दिखाई देगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, जिस तरफ
OHA, उसी तरफ आपको क्या दिखाई देगा, Cl। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, SOCl2 इन ईथर, साइक्लिक ईथर ले सकते हैं आप, रिटेंशन देखने को मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ ईथर नहीं होता, पिरिडीन होता, तो फिर आपके पास रिएक्शन अलग होती, फिर आप देखते कार्बोकेटायन बनता या नहीं बनता, वो SN1 SN2 होती, लेकिन SNI नहीं होती। तो ये छोटी छोटी बातें हैं आपको समझनी है। तो अभी तो आपके पास जिस तरफ OH है उस तरफ ही आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर उसी तरफ Cl दिखाई देगा। तो हमने कुछ पार्ट कर लिए, अब एक और पार्ट हमारा आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2Ar। तो SN2Ar के लिए रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सेकेंड ऑर्डर, AR का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो एरोमेटिक कंपाउंड में ये देखा जाता है, वैसे तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम याद नहीं देते, लेकिन कब दे सकते हैं, जब इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लाइक CN, लाइक NO2 जैसे ग्रुप जुड़े हुए हों। तो NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, लेकिन ये तभी वैलिड रहते हैं जब ये इनके ऑर्थो और पेरा में जुड़े हों, मेटा में इनका रोल नहीं रहता। आप भी जानते हैं मेटा में ये कोई वर्क नहीं कर पाएंगे, ऑर्थो और पेरा में। तो अब बताइए सबसे अच्छा इफेक्टिव कहाँ रहेगा, ये ऑर्थो और पेरा। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे ये रहेगा, एक पेरा पर है तो नंबर 2 पे ये रहेगा, एक भी पेरा पे नहीं है तो नंबर 3 पे ये रहेगा। ये तो रहा छोटी सी बात जो आपको समझ में आनी चाहिए, अच्छी बात है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, वैसे मैंने SN2Ar की ऑलरेडी रिएक्शंस आपको दी है अपने वीडियोस में, आप चाहे तो वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। ये आपके पास Cl है और यहाँ NO2 है, NO2 स्ट्रॉन्ग विड्रोइंग ग्रुप है। तो होगा क्या, OH- अटैक करेगा, OH- अटैक करेगा इस तरफ, ये वापस इस तरफ आ जाएगा। तो आपके पास इंटरमीडिएट क्या रहेगा, कुछ इस तरह का रहेगा, Cl और यहाँ OH है और इस तरफ माइनस है और यहाँ NO2 है, वापस ये माइनस इस तरफ जाएगा और अगली बार Cl निकल जाएगा। तो कुल मिला के आपको इस तरह से NO2 और यहाँ पर OH, यानी पैरा नाइट्रोफिनोल आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैकेनिज्म है जो कि बहुत आसान है, थोड़ी सी हीटिंग की जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर और सभी जगह NO2 लगा दिए जाते तो फिर हीटिंग की भी जरूरत नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे हो जाता। तो ये बहुत इजी पॉइंट्स है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक और नीचे, जो हमारा नया एग्जांपल आ रहा है C3। देखिए, गिवन द प्रोडक्ट्स इन फॉलोइंग रिएक्शंस, बिल्कुल सही है, और रिएक्शन कुछ इस तरह की है कि फ्लोरीन है और NH3 है, NH3 अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है और F अच्छा खासा लिविंग ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। SN2Ar में F अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यानी रिएक्शन फास्ट देता है, जबकि एल्काइल हैलाइड में कम रहता है, क्योंकि फ्लोरीन की वजह से यहाँ पर प्लस डेल्टा चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, तो NH2 की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी इस जगह। तो यहाँ NH2 आ जाएगा NH3 में और HF अलग हो जाएगा और बाकी बचेगा NO2, बिल्कुल यही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ OH आसानी से इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा तो Cl की जगह कौन अटैच हो जाएगा, OH। यहाँ पर S माइनस आएगा, ये S माइनस इसकी जगह Cl की जगह अट जाएगा, तो Cl और यहाँ पर Cl की जगह S और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2, और बाकी जो भी आपका R ग्रुप है वो यहाँ पर C2H5 है, तो C2H5 और अटैच कर दो, तो इस तरह से अटैच होता जाएगा। जबकि यहाँ पर NH2 NH2 है, तो ये लोन पेयर डोनर है, तो यहाँ पर Cl की जगह कौन जुड़ जाएगा, NH NH2, ये हाइड्रोजीन है और हाइड्रोजीन में एक हाइड्रोजन निकल जाएगा जो HCl की फॉर्म में निकलेगा, बाकी NH NH2 जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया इजी सा पॉइंट, हमने ये पॉइंट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट अपन करते हैं, और अब हमारे पास आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ईथर किस तरह से होता है, ईथर प्रेडिक्ट द फॉलोइंग, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग वन इक्विवेलेंट ऑफ HI, एक ही HI का यूज किया गया है। तो देखिए, ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसमें DBC है, ये वाला टूट जाएगा CH3, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, आप मान के चलिए यहाँ पर OH ये टूटने से रहा और I वाला पार्ट इसको मिल जाएगा, तो CH3I ये प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। यहां पर इस जगह देखिए ध्यान से, आई वहां पहले H यहां आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस रहेगा
और आई वाला पार्ट वहां अटैच होगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो कुल मिला के आई इसको मिल जाएगा और ये अल्कोहल के फॉर्म में अलग हो जाएगा। क्लियर है? आई वहां जाएगा जहां उसे स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिल रहा है। लेकिन अगर एक भी 3 डिग्री हो गया तो फिर वो एस एन वन रिएक्शन हो जाएगी, कार्बोकेटायन मिलेगा, तो जो 3 डिग्री है उसी पे आई को अटैच करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर ईथर के अंदर दो ग्रुप होते हैं आप जानते हैं, एक भी 3 डिग्री या फिनाइल आ गया तो उसी को आप आई दे दो, नहीं तो मत दो, फिर 1 डिग्री को दो, 2 डिग्री को तो कभी नहीं मिल रहा। आ गई बात समझ में? तो ये हमारे साथ आचेज हो रहा है। मैं एक बार और समझा देता हूं, अगर यहां पर ये होता फिनाइल का मतलब, यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेंजाइल, सॉरी सॉरी, तो C6H5, तो यहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो जहां कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है या तो 3 डिग्री या इस तरह से बेंजाइल पे, उस कंडीशन पर आप हमेशा आयोडीन इसी को देंगे, बाकी तो आपका काम चल ही रहा है। तो नेक्स्ट इस तरफ से देख रहे हैं, फ्यू डाई एल्काइल ईथर्स एंड साइक्लिक ईथर वर अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HBr विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स, आइडेंटिफाई द ईथर इन ईच ऑफ दिस। तो ईथर कौन सा होगा भाई? ये प्रोडक्ट आपको दिए गए, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये आपके पास कंपाउंड था और आपको ये दोनों जगह जोड़ना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जोड़ना है, बस अटैच करना है। यहाँ CH2Br है तो ये, अच्छा, चार कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन जोड़नी है तभी आपका काम चल पाएगा, 1 2 3, तो ये आपके पास ईथर होगी इस जगह, और वहां आपके पास ईथर होगी कुछ इस तरह, OCH3 एनिसोल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो गया, ये आराम से कर सकते हैं, केवल यही बन रहा है, तो फिर इसका मतलब आपके पास कुछ इस तरह का होगा, OCH2, OCH2 ये इथर होगी, तभी ये अलग होगा पक्का। अगर एनिसोल लेता तो नहीं होता, क्योंकि एनिसोल के अंदर फिर फिनोल बनता आपके पास, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो गया। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो देखिए कैसे सोच रहे हैं, बेस कैटेलाइज रिएक्शन है, OH आ रहा है आपके पास, तो CH3CH, OH कहाँ अटैच होगा? OH बिल्कुल यहाँ अटैच करेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये CH2OH यहाँ आएगा, फिर उसके बाद O माइनस ये बन जाएगा, लेकिन O माइनस यानी ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा और O माइनस का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, फिर H मिल जाएगा आपको, तो ये आपके पास फाइनली ये कंपाउंड मिलेगा, यानी एक पिनेकोल आपको देखने को मिलेगा। दूसरे के अंदर CH3 ये वाला बॉन्ड बिल्कुल यहाँ पर, OME यहाँ अटैच होगा, OME और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा CH और यहाँ पर OH और ये CH2 और OME, ये दोनों ही हमारे सॉल्वोलिसिस के, सॉल्वोलिसिस नहीं है लेकिन अच्छे एग्जाम्पल है किसके, SN2 मैकेनिस्ट के। नेक्स्ट अब आ रहे हैं हमारे पास ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस, ओनली वन ऑप्शंस करेक्ट, एक सही मिलते ही छोड़ देना, आगे दिमाग मत लगाना, तो कुछ ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस करते चले जाते हैं। तो शुरू करें, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते जाएं, फर्स्ट करना शुरू करें इनको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले SN1 रिएक्शन अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, SN1 रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बोकेटायन, सीधा है, SN2 में कुछ भी नहीं बनता, ना कार्बोकेटायन ना कार्बोएनायन, तो आंसर क्या जाएगा इसका? कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन यानी ए। सेकंड क्वेश्चन, इन एन SN1 रिएक्शन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट अंडरगोस, SN1 के अंदर क्या होता है? SN1 के अंदर कार्बोकेटायन बनता है, तो एक तरह से देखा जाए इन्वर्जन, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है, तो दोनों होने से क्या आंसर आता है आपको? रेसेमाइजेशन होता है, तो ये रेसेमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डबल द अमाउंट ऑफ H2 टेकन एज द सॉल्वेंट इज रिड्यूस हाफ, वैसा ही क्वेश्चन अपन पहले भी दे चुके हैं, द रेट ऑफ SN1, SN1 इस पे अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा, इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा, और अल्काइल हैलाइड को आपने डबल किया है तो रेट भी आपकी कितने टाइम्स बढ़ेगी? 2 टाइम्स। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू द टू बी इंटरमीडिएट, इसमें कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो पहले में अपन इंटरमीडिएट तो बनाया अपन, सबसे पहला कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, फिर वन टू शिफ्टिंग होगी, वन टू शिफ्टिंग होने की वजह से ये मिथाइल ग्रुप इधर आएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, फिर उसके बाद एच टू अपना लोन पेयर देगा, तो एक तरह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी हमारे पास रहेगा। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन नहीं है वो है ए, नॉट वन नॉट ई एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड, बाकी सारे कार्बोकेटाइन आपको देखने को मिलेंगे, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है और विनाइल, अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो विनाइल कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल, फिनाइल यानी एराइल कार्बोकेटाइन यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है हाईली अनस्टेबल, SP2 हाइब्रिडाइज पर कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल, ब्रिज हेड कार्बन पे अगर कार्बोकेटाइन बनता है हाईली अनस्टेबल, तो फर्स्ट थ्री नहीं देंगे और मेरा नियम ये कहता है अगर फर्स्ट थ्री नहीं है तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा, और हाँ हेवी यानी कि इस जगह आपके पास SN1 देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास pH कंसंट्रेटेड HCl है और एनहाइड्रस बिल्कुल ZnCl2 दे रखा है, मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है, HCl है H प्लस ले लिया, आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं बनेगा, pH2 बिल्कुल बनेगा और ये आपके पास CH2 कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और ये 1-2 शिफ्टिंग होगी जिससे स्टेबिलिटी और बढ़ सके, तो इस चक्कर में यहाँ पर आपके पास CH2 CH3, यहाँ एक बार और मैं आपके साथ चेंजेस करना चाहूँगा, यहाँ पर है तो ये आपके पास कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा 1-2 शिफ्टिंग, और 1-2 शिफ्टिंग होने के बाद अब Cl माइनस यहीं अटैच होगा यानी PHCl, और यहीं आपको टर्बिडिटी दिखेगी वाइट कलर की और आसानी से आप पहचान भी लेंगे और कि अल्कोहल का टेस्ट हुआ है, लुकास टेस्ट आप इसी को बोलते हैं, तो यहाँ पर OH आ रहा है, ब्लू क्लियर है, तो यहाँ OH आपको देखने को मिलेगा कार्बोकेटाइन। क्या ये रेसेमिक होगा? हाँ बिल्कुल शाबाश, तो ये रेसेमिक भी आ जाएगा आपके पास, क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन है इसलिए यहाँ पर रेसेमिक भी देखने को मिलेगा, तो कुल मिला के आपका मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंपाउंड विल गिव डी एंड एल, यानी डी एल तभी होगा जब कार्बोकेटाइन जहाँ बने वहाँ पर रेसेमिक हो, क्या यहाँ पर तीनों मिथाइल ग्रुप है, क्या रेसेमिक होगा क्या? नहीं, भूल जाओ, तो ये SN1 तो देगी, मैं मानता हूँ SN1 देगी, लेकिन रेसेमिक बनने के लिए कायरेलिटी होना जरूरी है, क्या यहाँ कायरेलिटी है? हाँ ये कायरेलिटी देगा, और जब यहाँ कायरेलिटी है तो ख़त्म बात, ये SN1 भी देगी और रेसेमिक भी रहेगा, तो आंसर क्या जाएगा, बी। बाकी के ऐसे नहीं है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी कायरेलिटी नहीं आएगी क्योंकि C2H5 C2H5 दो वैलेंसी सेम है, और यहाँ पर भी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर प्लस बनेगा लेकिन 1-2 शिफ्टिंग होने की वजह से यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और जब यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा और डी एल फॉर्म दोनों आए, तो डी भी हमारे पास देखते हैं एक बार, CH3 CH CH3, और क्योंकि हाइड्रोजन की मूवमेंट होगी सिर्फ हाइड्रोजन, तो दो वैलेंसी हमारे पास एक ही रहेगी, एक जैसी रहेगी सी, और यहाँ पर आपके पास CH3 और यहाँ पर H, हाइड्रोजन की मूवमेंट मिथाइल से फास्ट होती है, तो यहाँ पर भी आपके पास दो वैलेंसी सेम है तो कायरेलिटी नहीं आएगी, और कायरेलिटी नहीं आएगी तो डी एल फॉर्म नहीं बनेगी। हाँ ये बात जरूर है कि ये सब SN1 रिएक्शन दे रहे हैं, चलिए बहुत सही है, तो यहाँ तक आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सारे आ रहे हैं, आपके पास एक और रिएक्शन है HBr के साथ, आपको रिएक्शन देना है, HBr यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, और जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो बिल्कुल रेसिमाइजेशन होगा, यानी कि यहाँ पर रेसिमाइजेशन ऑकर एट द कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है, जब भी HBrOH यहाँ दिखेगा तो एसिडिक मीडियम में ये OH को ले जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो रेसिमाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड है, SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड द थ्रू इन्वर्जन ऑफ, इन्वर्जन SN2 में कोई इंटरमीडिएट तो होता ही नहीं है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो आंसर क्या जाएगा, बी। इन SN2 रिएक्शन इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस, SN2 के अंदर दोनों पर डिपेंड करेगा, अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे किसकी, रिएक्टेंट की और
न्यूक्लियोफाइल की, तो रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ेगी? फोर, क्योंकि दोनों पे पावर वन वन रहती है, तो डबल डबल टू टू फोर टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा? बी, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है SN2, आप अच्छे से जानते हैं। अब बात आता है NH3, एक तरह से सॉल्वोलिसिस ही हो रहा है, और सॉल्वोलिसिस हो रहा है तो यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ बनेगा, ना कि यहाँ, यहाँ तो वैसे भी DBC है तो ये तो देगा ही नहीं, तो आपके पास कुल मिला के ये CH2 NH2 यहाँ पर अटैच होगा, और यहाँ का जो BR है वो एज इट इज रहेगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा? ए। तो ये तो आपके पास इजी इजी से क्वेश्चंस हो गए, है ना। अब आगे देखिए, हमने लास्ट कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं? हम यहाँ तक जा चुके हैं। अब नीचे B4 इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम, तो यहाँ हमारे पास क्या है? देखिए यहाँ हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई है, एन ए एन एच टू है, 5-डेकाइन हमें बनाना है, एन ए एन एच टू है, तो मैं आपके साथ हूँ और मुझे आंसर लिख रहा है ये वाला डी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, डेकाइन बनाना है, तो सोडामाइट है एन ए एन एच टू, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये एसिड है, तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, CH3 CH2, 4 बार लिखी है, फिर सी, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पर अब माइनस रह जाएगा, इसका एच एन एच टू लेके भाग जाएगा, और ये माइनस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा किसके साथ, इसके साथ, और सी एल बाहर निकल जाएगा, तो एल्काइन की पोजीशन क्या रहेगी, 1 2 3 4, 4 और बाकी कितने कार्बन है, 4 5 6 7, 7 3 10, यानी 4 डेकाइन, तो मेरे लिए आंसर ये बिल्कुल सही जा रहा है। अब आता है D5, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, देखते ही आपको SN2 की याद आती है, तो बस BR जहाँ पर है उसे हटाओ, उसके अपोजिट में OH लगा दो, तो ये आपके पास इस तरह का कुछ कंपाउंड मिलेगा, यानी OH उसके अपोजिट में दिखाई देगा, यानी इस तरफ, बाकी रिएक्शन ऐसा है, यानी BR के अपोजिट में OH आपको दिखाई देगा SN2 होने की वजह से। SN2 में आप भी अच्छे से जानते हैं क्या होता है, इन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि HBr आ रहा है हमारे पास और ये रिएक्शन है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर भी आपके SN2 रिएक्शन मिलेगी, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर SN2 रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि पूरी की पूरी आपके पास क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो SN2 और BR यहीं अटैच होगा, आंसर गोज टू बी, तो सही करिए इसको। अब B7 पे आते हैं, यहाँ हमारे पास OH है, C2H5 है, अच्छा खासा हमारे पास ये है, तो यहाँ पर Cl है, बिल्कुल यहाँ मेजर हमारे लिए क्या रहेगा, वैसे तो 2 डिग्री है, SN1 इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना SN2 होगा, तो SN2 होगा तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्जन देखने को मिलेगा, CH3 OH इस तरफ था तो Cl कहाँ आएगा, इस तरफ आ जाएगा, और बाकी C2H5, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे लिए नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, ये हमारे पास आ जाएगा, तो अब ये देखिए Cl सबसे प्रायोरिटी में है, Cl की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, 1 नीचे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मेरा हाथ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या बनता है, S, लेकिन क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कौन सी लाइन पे है, हॉरिजेंटल पे या वर्टिकल पे, हॉरिजेंटल में, तो जो आंसर होता है उसका अपोजिट लिखना होता है, यानी बन S रहा है तो आंसर क्या होगा, R, और ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल में होता तो जो आंसर होता है वही हमें बोलना होता है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, R, R बाकी तो है ही 2-क्लोरो-ब्यूटेन, तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं B8, 6-क्लोरो-हेक्सेन-2-ऑल, तो अगर 6-क्लोरो-हेक्सेन-2-ऑल है और NaNH2 से आप रिप्लेस कर रहे हैं तो क्लोरो को हटा दो, तो OH तो बाकी एज इट इज रहेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6-क्लोरो हेक्सेन है, तो यहाँ पर यही आंसर आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, OH तभी हट पाता है जब आप HCl वगैरह एसिडिक मीडियम में रखें, और नॉर्मल या बेसिक मीडियम में तो आप OH को हटाने भूल ही जाए। लेकिन क्या आगे रिएक्शन हो सकती है, हाँ मेरे पास ये बन रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके ये बाहर निकाल देगा, तो मेरा फाइनल कंपाउंड क्या बन जाएगा, डी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये अपने पास अटैच करेगा, यहाँ ध्यान से सुनना, ये तो बन ही जाएगा, अब ये एच का, क्योंकि इसकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा है नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर बिल्कुल ये चेंज हो जाएगा, ये एच का ट्रांसफर करेगा पहले प्रोटॉन, और बिल्कुल अलग हो जाएगा, और आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 10, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है कि यहाँ
ऐसा हमारे को देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके लिए हीटिंग की जरूरत होगी और हीटिंग दी भी गई है क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बच्चों, डायरेक्ट अपना आंसर जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट एसओसीएल टू पीरीडीन, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एसओसीएल टू एसएन टू रिएक्शन देगा, ओएच हटाओ सीएल लगाओ बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीएल लड़ेगा, कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है आपका, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर ए। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, तो आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन D10 की, ईथर की प्रेजेंस में, बिल्कुल सही है, ईथर की प्रेजेंस में SNI रिएक्शन होगी और जहाँ OH है उसी तरफ क्या दिखाई देगा आपको Cl। तो यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है या रिटेंशन, रिटेंशन हुआ है, एक ही तो एग्जाम्पल है SNI का, ईथर की प्रेजेंस में SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है। अब नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2Ar, बहुत आसान है, क्या यहाँ पर SN2Ar कहाँ होगा, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे सी में दिखाई दे रहा है, खत्म, और मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। तो यही हमारे लिए एक तरह से SN2Ar रिएक्शन देगा, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब बकवास है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स SN2Ar रिएक्शंस, तो NO2 ग्रुप होना चाहिए ऑर्थो और पेरा पे, तो सबसे ज़्यादा कौन से देगा फास्टेस्ट, जितने ज़्यादा हैं देखो यहाँ ऑर्थो भी है और पेरा भी है, दो ऑर्थो और एक पेरा, तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन यही होगी। ठीक है, अब आगे अबव रिएक्शन हैज मैक्सिमम, मैंने पहले भी बताया अगर ये वाई फ्लोरीन है तो यहाँ पर प्लस डेल्टा चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, तो आंसर सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा होगा इस जगह डी। नेक्स्ट CN भी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है और ये अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये N यहाँ पर अटैच हो जाएगा, F अच्छा खासा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, तो यहाँ आपके पास कौन सा कंपाउंड बनेगा इस जगह आपको देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपको दिखाई देगा फ्लोरीन गायब दिखेगा, फ्लोरीन की जगह आपको क्या दिखाई देगा ये NME3, तो B आंसर टिक करें यहाँ पर, बिल्कुल सही है। अब आगे D सेक्शन में हम एंटर कर चुके हैं, देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ इस जगह, पहले समझे मेरी बात को, इन द गिवन रिएक्शन CH3CH2 दिस दिस दिस, और आपको दिया गया है बाद में HCl और हीटिंग दिया गया है, तो HCl और हीटिंग ये नॉर्मल है, यहाँ आपके पास रिएक्शन क्या होगी, कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, यानी जो होगी SN2 होगी, Cl वहाँ अटैच होगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम दिखा है, यानी Cl आपको यहाँ दिखाई देगा और यहाँ पर क्या दिखाई देगा H, तो ये टूटता हुआ दिखाई देगा, यानी तीन कार्बन वाले के साथ OH है, तीन कार्बन के साथ OH है ये रहा, और दो के साथ Cl है, बिल्कुल सही है, Cl वहाँ अटैच होगा जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो आंसर ए जाएगा आपके पास। अच्छा हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो कार्बोकेटाइन वहाँ बनाओ जहाँ स्टेबल हो, तो ये कार्बोकेटाइन आएगा तो यहाँ पर OH आएगा, बिल्कुल सही है, ये अलग हो जाएगा और OH यहीं पर आएगा, और यहाँ पर यानी OH इसके साथ आएगा और ये ऑक्सीजन इसी के साथ रहेगी, अदरवाइज आप उल्टा मत जाना, यदि आपने कार्बोकेटाइन यहाँ बना दिया तो एंटी एरोमेटिक बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे एरोमेटिक होगा, तो ये ऑक्सीजन जो 18 है ये आपके पास पांच कार्बन वाले के साथ रहेगी, यानी आंसर क्या जाएगा बी, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट D3 आपके पास वापिस हो गया, एक और क्या कह रहा है इसके अंदर, HBr है और अच्छी बात है कार्बोकेटाइन आपके पास बन सकता है क्योंकि यहां पर बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो जहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ पर क्या अटैच करोगे Br, और O के साथ क्या अटैच कर दोगे CH, O के साथ H, तो CH3OH आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सबको दिखाई दे रहा है, और 1-2 शिफ्टिंग भी हो जाएगी, जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या रहेगा B। तो ये आपके पास D3 तक हमने कर लिया, अब D4 से हम देखते हैं, देखिए क्या कहता है हमारे पास D4, हमारे पास ग्रिगनार्ड का एक क्वेश्चन आया है, बहुत इजी है, ये जो हमारे पास एल्काइल है ये माइनस बनेगा और ये माइनस वहाँ आएगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और यहाँ पर एक तरह से OH, तो ये बिल्कुल हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ OH आ जाएगा, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास CH3CH OH और बाकी ये पूरा एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा C। अब इस तरफ देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि एक तरह से हमारा मैच द कॉलम था और उसको हमने ऑप्शन वाला बना दिया, तो क्या है ये क्वेश्चंस देखते हैं इसको,
देखिए इनमें सबसे स्लो रिएक्शन कौन देगा, कौन सी करानी है? ऑब्वियसली ये सब, ये तो देगा तो SN1, कार्बोकेटायन तो बनने से रहा, और SN ये देगा SN2, SN2 थोड़ी स्लो होती है, तो सबसे ज़्यादा स्लो कौन सी होगी? 2, तो ये 0.07, उससे फास्ट होगी ये, यानी इसका आंसर 1 होगा। और इसके बाद यहाँ पर कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, और क्योंकि रेजोनेंस भी है और फिर अल्फा हाइड्रोजन भी आएंगे, तो इसका मतलब आपके पास आएगा इसका आंसर 4। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा रेजोनेंस दिख रहा है, पहले यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा जो कंटिन्यूस रेजोनेंस में आगे जाएगा, तो आंसर आपका रहेगा ये 3rd। तो इस तरह से आपके पास पी का 2, क्यू का 1, आर का 4, और आंसर आपका ए आ गया। बिल्कुल सही है, आपका इसका आंसर ए जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट भी है हमारे लिए, हमें यहाँ पूछा जा रहा है किसमें क्या दिखा, तो क्या बन रहा है? तो देखिए यहाँ पर पीएचए कार्बोकेटाइन बनेगा बनेगा और रेसेमाइजेशन होगा, तो यहाँ तो रेसेमाइजेशन होगा, तो इसका आंसर होगा क्यू। रेसेमाइजेशन होगा तो आपके पास इंटरमीडिएट इस कार्बोकेटाइन, तो और रेसेमाइजेशन होगा तो क्यू के साथ एस भी आएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है। SH- SN2 रिएक्शन देगा रेसेमिक, तो यहाँ पर सिर्फ इन्वर्जन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? आर। SOCl2 SNI रिएक्शन देगा, तो यहाँ पर रिटेंशन होगा, इसका आंसर होगा पी। और PCl3, यहाँ हमारे पास अब तो बचा ही क्या, हमारे पास यहाँ पर एक तरह से PCl3, यहाँ पर भी हमारे आंसर यहाँ पर PCl5, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से OH दिया गया है, और ये क्या दिया हुआ है आपको? PCl3। तो PCl3 हमारे पास दिया हुआ है, इंटरमीडिएट हमारे पास क्या होगा? लेकिन क्या यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सही है, क्या यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आपका आंसर है? इसका आंसर आपके पास जा रहा है R, इन्वर्जन देखने को मिलेगा आपको। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, और PCl3 आपको सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट देगी। लिखिए इसको।